महसूस तो इस बात का हो रहा है क्योंकि बड़ा दिन था, खुशी का दिन आने वाला था, ईद। महंगाई का जमाना है, रिश्ते मुनाफा देखते हैं। तो गाड़ी का कर्जा भी बहुत है और खर्चा भी बहुत हुआ, इसीलिए अब थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। अपना सारा पेपर अब बस निकलने के लिए रेडी है गाड़ी। पहले आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए? तो मैं आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो कर दिया हम अपना व्लॉग स्टार्ट। तो अपने घर से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अगर जब भी मैं घर आता हूँ तो कहाँ पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये नजर आ रहा है आपको, फूल निकले हैं यार, क्योंकि सेब जिसको तैयार होते हैं ना, पहले ये फूल निकलते हैं। आपको पता ही होगा मेरे घर के सामने ये जो पेड़ लगे, ये सारे सेब के पेड़ है। तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी पहले इसमें फूल निकले हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसी को अभी हम मतलब स्प्रे वगैरह मार रहे, उसके बाद इसी का सेब बन जाता है लास्ट में। ओके, अभी देखो ना कितना प्यारा लग रहा है यार, मन ही नहीं करता है यहाँ से निकलने का। आप देखो अच्छे से कितना प्यारा लग रहा है ये, यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखो नीचे भी ये ग्रास था इधर ही बैठने का, पर क्या करें यार, जिम्मेदार यार बैठने नहीं देते इसलिए। तो आपको पता ही होगा कल शाम को मैं अपने घर पहुँचा था, तो अभी टाइम आ गया सुबह के 10 मॉर्निंग। अभी नहा धो के रेडी हो गया क्योंकि वापस निकलना है भाई जान, दिल नहीं करता है सच में यार। अभी ना मतलब मेरा मन नहीं था, मेरा मूड नहीं था, क्योंकि आगे ईद आने वाली है तो गुवाहाटी का माल लोड करना है, शायद जल्दी लासीपुरा वहाँ पे लोड करो। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब तक गाड़ी वहाँ पर पहुँचेगी, गाड़ी में माल लोड होगा तब जाके आपको अच्छे से मैं बता सकता हूँ कि नहीं भाई साहब, अभी तो कन्फर्म है। तो चले अपना अपनी लाइफ है ही ऐसी, करते अपने घर वालों को बाय बाय। आज 18 दिन के बाद एक रात अपने घर में नसीब में थी, क्या करे यार, कमाना तो पड़ता है यार, महंगाई का जमाना है, रिश्ते मुनाफा देखते हैं। चले फिलहाल निकलते हैं अपने शहर से, मैंने वहाँ पे स्टार्ट रखा है। तो अभी कपड़े वपड़े ने यार सारे गंदे, अब मैंने पुरानी ही लगा लिए, तो जो कि मतलब साथ मेरे कपड़े होते हैं वो पहले धोने पड़ते हैं, क्योंकि हाल ना बुरा होता है यार, आपको पता ही होगा। ना वेस्ट करते हम जल्दी से जल्दी निकल जाते घर को, बाय बाय करके हम पहुँचते हैं लासीपुरा। ओके, अभी मैं घर से निकल के आया, तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं लासीपुरा की तरफ। आज मैं अंदर वाले रास्ते से आया क्योंकि मैंने सोचा वहाँ से थोड़ा दूर हो जाएगा, अभी अंदर जो रास्ता जाता है ना उसी रोड से आया। यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है बट रोड सिंगल है, साइड देना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम पहुँच गए पीरपोरा, अब यहाँ से बस थोड़ा ही है, तो चलो फिलहाल हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि वो फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं। माल भी कंफर्म हो गया, तो वही है जो कि मैंने आपको बोला, गुवाहाटी आसाम का, वहीं का आज बराबर गुवाहाटी है। पिछले चक्कर सिलीगुड़ी गए थे, इससे पहले एक चक्कर गुवाहाटी का दिया था और तब से एक सिलीगुड़ी और आज फिर से गुवाहाटी जाना है। ओके, अपना सारा कुछ ओके हो गया, सारा माल वगैरह डन हो गया, बिल बिल्टी मिल गया। तो अभी हम आए हैं जो कि फॉर्म लगता है स्टोर माल में, फ्रेश माल में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी हम आए हैं फॉर्म लेने के लिए, फॉर्म ले गए तो उसके बाद ही देखते हैं कौन से स्टोर में अपनी गाड़ी लोड करनी होगी। तो ओके, फिलहाल हम लेते हैं यहाँ से फॉर्म और निकलते स्टोर में जहाँ पे अपनी गाड़ी लोड करनी है। अभी हमने अपना फॉर्म वगैरह ले लिया, तो अभी बस जाएंगे स्टोर में जहाँ पे अपनी गाड़ी लोड करनी है। तो अभी देखो आप, ट्रांसपोर्टर जो है ना शेख अकबर, अभी ये खुद ही गाड़ी चला रहा है। अभी तो फिलहाल इसका ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का नाम है न्यू गुड लक। तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है भाई का। तो अभी मतलब ये भी पहले ट्रक ही चलाता था, अब इसने बोला मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा, मैंने बोला आप चलाओ थोड़ा, ठीक है। तो चले फिलहाल हम स्टोर में पहुँचते हैं जहाँ पे अपनी गाड़ी की लोडिंग करनी है, गाड़ी की बुकिंग की। ये आपको नज़र आ रहा है न्यू गुड लक ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये आपका एड्रेस वगैरह लगा है और नंबर भी लगे है। अगर आप में से किसी को यहाँ आना है, यहाँ से लोड करना है, तो ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इन पे कांटेक्ट करके आपको अच्छे स्टेशन और अच्छा रेट में यहाँ से गाड़ी कन्फर्म होकर आप यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पर आती है ना, मैंने बहुत बार देखा वो यहाँ से फिर खाले चले जाती है, बोलते हैं कि नहीं सेठी भाई हमें वहाँ पर माल नहीं मिला, हमें मतलब किसी का कॉन्टैक्ट नहीं था। इसलिए अभी मैं मतलब ये शो कर रहा हूँ, ये जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ना, इन पे कांटेक्ट करके आप यहाँ मतलब आ सकती हो किसी भी ट्रांसपोर्ट पे, बट इस पे आ सकती हो तो मतलब यहाँ से मैं भी भरता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो ये नंबर जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको रोक के स्क्रीनशॉट लेके इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी और एक गाड़ी की बुकिंग हो गई हमारी, अभी कहाँ का माल है ये? सिलीगुड़ी का। सिलीगुड़ी का, चलो हम तो सिलीगुड़ी जाते हैं ना। क्या रेट लगा अभी सिलीगुड़ी का? 12 चक्का का 1,25,000। 12 चक्का गाड़ी अभी बुकिंग होगी कंफर्म, अभी बिल्टी कट रही है, अभी लिख रहे हैं। तो 1,25,000 रुपया यहाँ से भाड़ा निकला सिलीगुड़ी का, जो कि फ्रेश माल स्टोर का माल है, ठीक है।
अपनी गाड़ी की लोडिंग हो रही है, अब बस थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसा समझो आधा माल लोड हो गया, अब बस थोड़ा ही टाइम लग जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। तो उसी के साथ साथ हमारे साथ और एक गाड़ी जुड़ गई है, आपको नज़र आ रही है JK03E 2995। ये भी 15 मॉडल गाड़ी है, इसको भी गवाहाटी का माल भरना है। अब तो हम एक साथ ही चले गए, ये भाई दयालगाम में रहता है और अपना शहनशाह यहाँ पर लोड हो रहा है। तो अभी आप देखो एक डब्बा हाइट हो गया, तो अब बस थोड़ा ही टाइम लग जाएगा, उसके बाद अपना रस्सा त्रिपाल बांध के निकलेंगे। बट आज ना अपने शहनशाह को वाश वगैरह कुछ नहीं किया यार, क्या करें, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक रात घर में नसीब में थी, आप लोगों ने देखा होगा। बट आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज चक्के वगैरह टायर वगैरह सारा सिस्टम हो गया है ना, बस चलना है भाई, और कुछ नहीं, आज उतनी टेंशन नहीं है। बट महसूस तो इस बात का हो रहा है, क्योंकि बड़ा दिन था, खुशी का दिन आने वाला था, ईद, ईद का दिन था, मतलब सबसे बड़ी खुशी होती है यार, अपना अपना मज़हब होता है, जैसे आप सबको कोई बड़ा दिन होता है वैसे हमारा भी ईद होता है। तो क्या करें, ईद तक हम वापस नहीं आ सकते, उसी बात का थोड़ा दुख लगा। तो चलो पहले ही नहीं बैठ सकते हैं ना, 10 दिन पहले घर में। और अब कुछ लोग बोल रहे थे सेठी भाई लोकल चक्कर अगर मार लेते तो अच्छा हो जाता, बट यार लोकल में कुछ पैसा नहीं बचता है ना, बहुत कम बचता है, क्योंकि आपको पता ही होगा गाड़ी का कर्जा भी बहुत है और खर्चा भी बहुत हुआ, इसीलिए अब थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ मिल जाएगा। ओके, तो चले क्या करें, ये हमारी लाइफ ऐसी ही है, ऐसे ही दिन चल रहे। फिलहाल हम करते हैं जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट लोड रसद त्रिपाल और निकलते हैं, करते हैं जल्दी जितना हो सके, क्योंकि आगे कानवाई भी है ना, शाम को शायद छोड़ देंगे, पर कोशिश कर ले कि कानवाई हमें मिल जाए। फिर होगी तो अपना सारा काम ओके हो गया, रसद त्रिपाल हमने मार लिया, अब बस निकलने के लिए रेडी है। तो अभी मैंने स्टोरी डाली थी ना, उस पर भी एक कमेंट आया कि सेठी भाई पीछे वाला व्हील कब लगाओ। बट यार जो उस दिन टायर ब्लास्ट हुए ना, उसकी वजह से ना ये जो जिस पे व्हील कब लग जाता है ना, ये कावला इधर लगा होता है उस पर व्हील कब फंस जाता है, वो टूट चुका है, क्योंकि टायर चढ़ाने में वो टूट चुका है, टायर उसके साथ लगा तो वो उसका वो कावला टूट गया। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं, अगर सरहन में टाइम मिला तो वहाँ पे वो काबला ज़रूर लगाएंगे और अपना व्हील कप भी लगाएंगे। तो चले फिलहाल हम यहाँ से वे करते हैं घर को भी और अपने इलाके को भी, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, जो ऊपर से रास्ता है ना बाहर जाके जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसी के साथ ऊपर, जहाँ से मैं सुबह आया आप लोगों ने देखा होगा उधर ही मेरा घर पड़ता है। ओके, तो चले फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, पहले मैं आपको पीछे का भी थोड़ा सा दिखाऊँगा अपनी गाड़ी। तो फटे आज भी मैंने खुले रखी, आपको पता होगा, मतलब इससे पहले जब मेरे फटू पे पैंट नहीं था ना, तब मैं पीछे राजस्थान वाली रस्सा मारता था, अब नहीं मारता हूँ, क्योंकि अब ये नाम जो है ना पीछे ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि दूर से पता चलता है किसकी गाड़ी है सेठी भाई। ओके, तो चले निकलते हैं, और साथ वाली गाड़ी भी कंप्लीट है, रेडी है निकलने के लिए। अभी पार्टी वाला उसमें बैठा है, बिल बिल्टी लेना है और निकलना है, अपना सारा पेपर, अब बस निकलने के लिए रेडी है गाड़ी। ओके, बोला हम इसको बहुत मिस करेंगे, मैंने आपको बोला था ये मेहरान भाई की गाड़ी चलाएगा, तो अभी ये मेहरान भाई की गाड़ी लेके आया, बट इनको भी उधर ही गवाहाटी का माल भरना था, इनकी गाड़ी नहीं लगी, इंशाल्लाह कल इनकी गाड़ी की लोडिंग हो जाएगी, इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश पूरी यही है। तो इंशाल्लाह अब हम इनको यहाँ पे बाय बाय करते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, चलते हैं। ओके मेहरान भाई, चलो भाई, बाय बाय, उधर ही मिलते हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम पहुंच गए काजीगुंड से आगे जो टनल पड़ती है, मतलब मेन नाका, वहीं पे खड़े हैं अभी। तो अभी मतलब कानवाई रोक दी गई है, टेल नंबर दिया है, तो अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, सुनने में ही जा रहा है फ्रेश फ्रूट को छोड़ रही है, बस हम भी वेट कर रहे हैं कब तक छोड़ेंगे। तो मुझे पूरी कोशिश है, उम्मीद यही है छोड़ देंगे, बट आगे काफ़ी लंबा जाम लगा है, उसकी वजह से अभी यहाँ पे रोका था, उसके बाद ही देखते हैं अगर कानवाई छोड़ी तो फिर वो आपको कल के वीडियो में पता चल जाएगा। तो उसी के साथ साथ अब हम इस प्यारे से व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट।